अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ अलग में ना आ जाए, बहुत एक्साइटेड हूं। मैं कभी नीचे गिर रहा था, कभी मैं ऊपर सर उठा लेता था। खास अभी बाकी है, नीचे से आवाजें आना शुरू हो गई। ओके, पूरा चैन करते हैं। नाजीज गेम क्या हो गया? पाकिस्तान टीम ने फाइनली T20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड होम सीरीज के लिए अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं। दो डिफरेंट टीम्स हैं, लेकिन सारा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन इवेंचुअली दो टीम्स ही अनाउंस की हैं PCB ने। तो दोनों पे बात करेंगे। पहले मैं आपको दोनों स्क्वाड्स बता दूं और फिर मैं अपना ओपिनियन देता हूं। पाकिस्तान स्क्वाड जो इंग्लैंड खिलाफ होम सीरीज़ खेलेगा, यानी कि 7 T20s जो लाहौर और कराची में होंगे, वो जो स्क्वाड है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें कप्तान बाबर आजम, वाइस कैप्टन सजाब खान, आमिर जमाल, इब्राहिम अहमद, ये दो नए खिलाड़ी हैं जिनको डोमेस्टिक से लिया गया है सीरीज़ के लिए। 7 मैच, देखते हैं कितने चांस मिलते हैं दोनों यंगस्टर्स को। उसके बाद आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, फजल शाह, मोहम्मद हारिस विकेटकीपर बैट्समैन, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर बैट्समैन, मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी होगी इस सीरीज़ में, वो अनफिट हो गए थे एशिया कप से पहले, नसीम शाह, शाहनवाज दहानी, शान मसूद बॉलर से बाहर खेल रहे हैं और स्पेशली T20 क्रिकेट में उनकी वापसी हुई है, और उस्मान कादिर। ये वो स्क्वाड है जो इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेलेगा 7 T20 मैचेस जो कराची और लाहौर में होंगे, जिनकी शुरुआत 20 सितंबर से हो रही है। इस सीरीज़ के से रिलेटेड अपडेट ये है कि इस सीरीज़ के पहले 3 T20 मैचेस में मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जाएगा और उनके बदले मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ, और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों स्क्वाड्स में, लेकिन अब बात करते हैं उस स्क्वाड की। मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिन शाह अफरीदी की वापसी होगी, उसके अलावा शान मसूद स्क्वाड में शामिल है और उस्मान कादिर। ये स्क्वाड है जो T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया। और रिजर्व्स में अगर बात करूँ तो उसमें फ़खर जमान, शाहनवाज दहानी और मोहम्मद हारिस विकेटकीपर शामिल है। इन तीनों को रिजर्व्स रखा गया है T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। तो ये दोनों स्क्वाड्स हैं जो पहले मैंने बात की इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ जो कि होम सीरीज़ है उस स्क्वाड की, और बाद में T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, ये दोनों अब अनाउंस हो चुके हैं। अब सिचुएशन ये है कि हमने 7 T20 मैचेस कराची और लाहौर में इंग्लैंड से खेलने हैं। उसके बाद हमने एक ट्राई सीरीज़ खेली है न्यूजीलैंड में T20 वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश होंगी, और उसके बाद इंशाल्लाह हम खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप। तो अब ये सिचुएशन है। इन दोनों स्क्वाड्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड सीरीज़ में और खिलाड़ियों को रेस्ट कराना चाहिए था, और ये जो मिडल ऑर्डर है जो एशिया कप में बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया गया, जहाँ हम सोच रहे थे कि कुछ चेंजेस होंगे, बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, हुस्दिल शाह, यहाँ तक कि फ़खर जमान, ये सारे वहीं मौजूद हैं दोबारा से। फ़खर जमान की इंजरी की वजह से उन्हें इंग्लैंड सीरीज़ से बाहर किया गया, लेकिन वो ट्रैवलिंग रिजर्व में है T20 वर्ल्ड कप के, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर T20 वर्ल्ड कप के रिजर्व में आपने किसी प्लेयर को रखना है तो वो मेरे ख्याल से इनफॉर्म प्लेयर होना चाहिए, कि अगर एंड टाइम पे रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े तो आपके पास जो बेंच में है, जो रिजर्व में है, अगर उसकी रिप्लेसमेंट है तो वो कम से कम इनफॉर्म प्लेयर तो होना चाहिए। जो फ़खर जमान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है, और मेरे ख्याल से उनको ओपन ट्राई करना चाहिए था पाकिस्तान को एशिया कप में भी, और बहुत पहले उन्हें ओपनिंग करवाएं, बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान में से किसी एक की पोजीशन चेंज करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और फ़खर जमान बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं नंबर 3 पे। और शान मसूद की वापसी हुई है तो उनको कहाँ जगह मिलेगी, उनको नंबर 3 पे, नंबर 4 पे खिलाया जाएगा या उनसे ओपन करवाई जाएगी? और उसके बाद हैदर अली की जगह बनती है स्क्वाड में या नहीं, वो बहुत टाइम से टीम पे साथ हैं लेकिन खेलने का मौका उन्हें नहीं मिलता। बाकी शाहनवाज दहानी मेरे ख्याल से अनलकी रहे हैं, उन्होंने जो मैच खेला था इंडिया के खिलाफ एशिया कप में ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, और PSL में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उन्हें ट्रैवलिंग रिजल्ट में रखा हुआ, तो मेरे ख्याल से उनके साथ भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए थी स्क्वाड में। और ऐसे और भी बहुत सारे ओपिनियंस और थॉट्स हैं जो मैं साथ साथ आपको शेयर करता रहूँगा, और आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करें, उसके साथ साथ मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करें, मैं ट्विटर पे आ चुका हूँ, तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। दोनों जगह मैं अपनी थॉट्स और अपने ओपिनियंस शेयर करता रहूँगा, जो भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बातें होंगी या स्पोर्ट्स रिलेटेड बातें होंगी उससे रिलेटेड मैं सारी बातें कमेंट्स और ट्वीट्स करता रहूँगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।